हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि तीन डिजिट के दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आप विद इन 5 सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास पहला नंबर है 123 थ्री डिजिट का, दूसरा नंबर है आपके पास 456 का थ्री डिजिट का। तो आपको 123 को 456 से मल्टीप्लाई कराना है, आप कैसे करोगे? तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है और स्टेप वन में आपको क्या करना है, लेफ्ट के जो दो डिजिट्स हैं यानी कि 123 का 3 और 456 का 6, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 18। उस 18 का 8 आप लिख लोगे आंसर में और 1 आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ले लेनी है। अब अगले स्टेप में आपको क्या कराना है, 2 को 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और 3 को 5 से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 15 और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 12 और 15 का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 और इस 27 में पिछले स्टेप का जो 1 था कैरी वो भी आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 का 8 आप आंसर में लिखोगे और फिर आपके पास जो 2 बच जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ले लोगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या कि 123 का 1 और 456 का 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप ऐसा करोगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6, 2 को 5 से कराओगे तो 10, 4 को 3 से कराओगे तो 12 और इन सबको जब आप जोड़ दोगे ऐड करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 28। अब इस 28 में आपको क्या कराना है, इस 28 में जो पिछले स्टेप का 2 कैरी था वो ऐड करा लेना है। तो 28 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30। अब इस 30 का 0 आपको आंसर में लिख लेना है और 3 आपका कैरी बच जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड करना है। अब आप थोड़ा और आगे चलोगे तो 1 को पहले वाले 123 के 1 को दूसरे वाले के 456 के 5 से और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो जब आप ऐसा करोगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 8, इन दोनों को जोड़ देना है तो आंसर आ जाएगा 13। इस 13 में आपको क्या ऐड करना है, पिछले स्टेप का जो 3 था वो ऐड कर देना है। तो 13 में 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 16। इस 16 का आपको 6 आंसर में लिख लेना है और कैरी बच जाएगी 1 और उस 1 का आपको क्या करना है, उस वो जो 1 आपकी कैरी बची है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड करना है। जब आप और राइट में आओगे तो आपके पास बच जाएगा कितना, 1 और 4। 1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करा दो और आपके पास आंसर आएगा 4 और उस 4 में ऐड करोगे आप क्या, जो पिछले स्टेप की एक कैरी थी, कितना 5। तो जब आप ये आपके पास आ जाएगा 5, उस 5 को आप आंसर में लिखोगे तो 56088 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 123 और 456 का। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है 837 मल्टीप्लाई 546 का, तो इसका आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।